बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अब ऐसे में बहुत कम समय बचा है जिसमें कि एनडीए सहित सभी गठबंधन अपनी अपनी सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करे। भाजपा की परंपरागत सीट माने जाने वाला भागलपुर से इस बार के विधानसभा में कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इसको लेकर संशय अभी तक बरकरार है। कयास यह लगाया जा रहा है कि भागलपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे अर्जित शाश्वत चौबे इस बार भी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भागलपुर भाजपा के उपाध्यक्ष पवन मिश्रा की भी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व पवन मिश्रा को भागलपुर से भाजपा उम्मीदवार बना सकता है। पिछले 4 साल से भागलपुर में पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे पवन मिश्रा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन मिश्रा आंध्र प्रदेश के मजबूत ब्राह्मण चेहरा के रूप में उभर कर सामने आए हैं और भागलपुर से भाजपा को ऐसे ही ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी। जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित भी पिछले दिनों से लगातार भागलपुर की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आचार संहिता से पूर्व पवन मिश्रा की बढ़ती लोकप्रियता और भागलपुर के सभी चौक चौराहों पर पवन मिश्रा की मजबूत उम्मीदवारी को दर्शाने वाले होर्डिंग अर्जित पर भारी पड़ सकती है। तो वहीं राजनीति के गलियारों से दिगर वैश्य समाज ने बैठक कर भागलपुर में वंशवाद पर करारा प्रहार किया है, जिसकी खनक पटना से दिल्ली तक है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद भागलपुर सीट हाथ से निकल जाना अभी भी केंद्र में चर्चा का विषय बना है। अब इस बार राजनीति के माहिर खिलाड़ी कांग्रेसी विधायक अजीत शर्मा के सामने कौन ब्राह्मण चेहरा होगा जो अजीत शर्मा को पराजित कर सके, इसको लेकर भाजपा आलाकमान को पवन मिश्रा का चेहरा सामने आता दिखाई दे रहा होगा। युवा चेहरा पवन मिश्रा का पार्टी में ना तो कोई आंतरिक विरोध है और ना ही खुलकर कोई विरोध में बोल रहा है। ऐसे में भाजपा आलाकमान पवन मिश्रा को भागलपुर से चुनावी मैदान में उतार कर अपनी परंपरागत सीट भागलपुर पर फिर एक बार जीत का परचम लहराने की तैयारी में है।